पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। पाकिस्तान हर बार आईपीएल के बीच में कुछ न कुछ ऐसा करता है जिसका प्रभाव आईपीएल के ऊपर पड़ता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान वालों ने इतनी बुरी चाल चली है जिससे कि अब आईपीएल के प्लेऑफ को रद्द करने की नौबत आन पड़ी है। आपको वीडियो में पूरी खबर के बारे में बताऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप हर बार वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अब अगर आपको पाकिस्तान की टीम की हरकतें बताऊं, तो पाकिस्तान की टीम हर साल आईपीएल शुरू होने के बाद में विदेशी टीमों के साथ में सीरीज घोषित करती है। पाकिस्तान की टीम ने इस बार भी आईपीएल के शुरू होते ही न्यूजीलैंड की टीम के साथ में 5 T20 मैचों की सीरीज खेली, लेकिन न्यूजीलैंड बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को इस सीरीज में आने के लिए पाबंद नहीं किया और साथ ही न्यूजीलैंड बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने की इजाजत दे दी। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ में 5 T20 मैचों सीरीज खेलने वाली है। यह T20 सीरीज 22 मई से शुरू होने वाली है, तो इसके लिए अब इंग्लैंड के बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को वापस आने के लिए न्योता दे दिया है। इंग्लैंड के बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को 17 मई तक अपने देश में वापस लौटने का आदेश दिया है, जिसके चलते अब इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल के प्लेऑफ में मौजूद नहीं हो सकते हैं। इससे उन टीमों को नुकसान होने वाला है जो कि आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच गई हैं। सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान और कोलकाता की टीम को होने वाला है। राजस्थान की ओर से इसके ओपनर जोस बटलर, साथ ही कोलकाता की ओर से इसके भी ओपनर फिन साल्ट वापस अपने देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं, और दोनों टीमें प्लेऑफ में पहुंच गई हैं और ये दोनों खिलाड़ी इन दोनों टीमों के प्रमुख खिलाड़ी थे। तो यही कारण है कि पाकिस्तान की टीम के चलते अब आईपीएल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बीसीसीआई इंग्लैंड बोर्ड से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंग्लैंड बोर्ड अपने खिलाड़ियों को 26 मई तक इंडिया में रहने की अनुमति दे सके। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो देखने के बाद में चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।